मेरे पास फ्रिज में पड़ा था ये ब्रेड, तो मैंने सोचा शाम को इसी से बना लेते हैं कोई रेसिपी। तो ऊपर का ब्रेड हटा देंगे, इससे बना लेंगे ब्रेड क्रम्स, और इसमें से हम ले लेंगे 5 ब्रेड के स्लाइस। ये व्हाइट ब्रेड है, इसकी जगह आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है कि वीक में इसे मैं 2 बार ज़रूर बनाती हूँ, और सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो एक बार इस रेसिपी को आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रिज में हमने देखा तो बटर था ही नहीं, तो हमने सोचा घर में ही बटर बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया एक बड़ा बाउल, इसमें हमने डाला 1 कप मेल्ट किया हुआ गाय का घी, साथ में हमने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच खट्टा दही, इसमें हमने डाला थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप चाहें तो इसे हैंड बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि घी से बना हुआ बटर घी का ही टेस्ट देता है, पर मैं कहती हूँ एक बार दही डाल करके आप घी से बटर बनाएं, बिल्कुल बटर का ही टेस्ट आएगा। अच्छे से इसे हमने मिक्स कर लिया, अब आप देखें घी का कलर भी चेंज हो गया है और ये बहुत अच्छे से थिक भी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बर्फ़ के टुकड़े को निकाल लेंगे। गाय के घी से जब आप इस बटर को बनाएंगे तो इसमें आपको फूड कलर डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाय का घी पीला होता है। अगर आप सफ़ेद घी से इस बटर को बना रहे हैं तो थोड़ा सा येलो फूड कलर इसमें आप डाल सकते हैं। अब जो इसमें पानी है वो भी हम निकाल देंगे। बटर तो हर जगह बहुत आसानी से मिल जाता है, पर कभी जब घर में बटर ना हो और कुछ रेसिपी उससे बनानी हो तब आप घी से बहुत आसानी से बटर बना सकते हैं। इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, मतलब 1 छोटा चम्मच नमक हमने डाला है, अच्छे से मिला देंगे। तो ये बटर बन करके हमारा तैयार है, इसे हम बटर के ही डिब्बे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस बटर को आप फ्रिज में रखकर 1 सप्ताह तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये जो बाउल में बटर है ये 3 बड़े चम्मच है, तो इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया, 1 बड़ा चम्मच हमने डाला है चिली फ्लेक्स, अब इसमें जाएगा 1 चम्मच ओरिगैनो। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे तो तैयार है हमारा घर में ही बहुत ही टेस्टी गार्लिक बटर। ब्रेड के 2 साइड को काट करके निकाल देंगे और 2 साइड को ऐसे ही रहने देंगे। आप अपने पसंद से ब्रेड को किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो बीच में भी हमने ब्रेड को काट दिया है, तो इसके पतले पतले स्लाइस निकल गए हैं, और जो ये साइड निकला है ब्रेड का, इसे आप फेंकें नहीं, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना लें। बहुत सारी रेसिपी में ये इस्तेमाल होता है। अब ब्रेड को हम चॉपिंग बोर्ड पर इस तरीके से अरेंज कर लेंगे और अब इसके ऊपर लगाएंगे अपना बनाया हुआ गार्लिक बटर। इस तरीके से जब आप लगाएंगे बटर तो बहुत आसानी से एक साथ सारे ब्रेड में बटर लग जाएगा। अब इसे हम सेक लेते हैं। पैन को हमने लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है। एक एक करके इस ब्रेड स्लाइस को पैन में रखेंगे, जिधर हमने बटर लगाया है उसी साइड को पैन में रखेंगे और इसके ऊपर भी लगा देंगे बटर। जब ये एक साइड सिक जाएगा तब इसे हम पलट लेंगे। इस तरीके से जब आप गार्लिक ब्रेड बनाएंगे लो फ्लेम पर तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छा सिक करके तैयार होगा। तो जब तक ये सिक रहा है तब तक हम बचे हुए ब्रेड में लगा लेते हैं बटर। एक बार आप इस तरीके से गार्लिक बटर बनाएं और ये गार्लिक ब्रेड बनाकर देखें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये हमारे ब्रेड पर बहुत अच्छा कलर आ गया है, इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। और दूसरे बैच के ब्रेड को सेकने से पहले इस पैन को हम क्लीन कर लेंगे, जिसमें लहसुन के टुकड़े रह गए हैं वो जले ना, जल जाने पर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इसे आप ज़रूर निकाल लें और इसी प्रोसेस से बचे हुए ब्रेड को सेक लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी घर में बने हुए बटर से गार्लिक ब्रेड बन करके बिल्कुल तैयार है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, ताकि ये रेसिपी और लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ हमने सर्व किया है टमाटो सॉस। आप हमारी रेसिपी फेसबुक इंस्टा पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।